नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पे। तो आज कोई अनबॉक्सिंग नहीं होगी, आज है मेरे सामने एक मिस्ट्री बॉक्स। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, 99books.com। सो एक्चुअली एक बुक फेयर लगा हुआ था पुणे में और मैंने विजिट किया था। सो इस बॉक्स का प्राइस है 1200 के आसपास, 1200। और इसके अंदर कुछ कॉमिक बुक्स हैं। कलेक्शन कुछ खास नहीं था, काफ़ी सर्च करना पड़ा और कुछ इश्यूज़ मेरे हाथ लगे जो कि आई थिंक आप लोगों के पास पहले से होंगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे इश्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन अब मैंने बॉक्स लिया भी था और मुझे कुछ डालना भी था उसमें, मुझे फ़िल करना था उसको, तो मैंने कुछ कॉमिक बुक्स इसमें ऐड की और फिल किया। अब मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, तो मैंने इसको ओपन तो कर लिया है ना। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। सो आर यू एक्साइटेड? ऐसे मिस्ट्री बॉक्स देखने के लिए तो सभी एक्साइटेड होते हैं, राइट? तो चलिए टाइम नहीं लूंगा, इसको ओपन करते हैं और आपको वन बाय वन इसके अंदर से क्या निकलता है वो दिखाता हूँ, है ना। ये देखिए, अरे कुछ तो शायद पहले ही दिख गया है ना। ओके, इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ, है ना। ओके, सो पहले इसमें एक मैजिक पैड है बेन 10 का। ओके, अगर मैं बताऊँ आपको, कलर खींचे और गायब हो जाएगा। ओके, देन वी हैव वन क्लासिक मिकी माउस कलरिंग बुक, राइट? व्हाट वी हैव नेक्स्ट? आयरन मैन कलरिंग बुक। तो आयरन मैन मेरा फेवरेट है, सभी जानते हैं, जो मित्र मुझे जानते हैं कॉमिक्स कम्युनिटी में, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर और मुझे बड़ा पसंद है। तो ये उसकी कलरिंग बुक है। ओह, व्हाट वी हैव नाउ? माई गॉड, फैंटम, द हॉलोविन गैंग। तो ये यूरोप की बहुत पुरानी एक कॉमिक्स मिली मुझे और ये मैंने ऐड की। क्लासिक प्रिंट है, देखिए बिल्कुल पुराना, कभी प्रिंट हुआ होगा आई थिंक आज से 10-15-20 साल पहले। तो ये है फैंटम द हॉलोविन गैंग, राइट? व्हाट वी हैव नेक्स्ट? ओके, अब तो ये डिज्नी की एक एनिमेशन मूवी थी और ये डिज्नी की ग्राफिक नॉवल जो सीरीज़ है डिज्नी मूवीज़ की, उसके ऊपर बेस्ड है और ये ग्राफिक नॉवल है एक्चुअली में, और मुझे बहुत पसंद थी ये मूवी, आज भी है। और आप देख सकते हैं डस्ट जैकेट है यहाँ पे मेरे पास, और भी कुछ है पुरानी, बट सी ये फ्री पोस्टर जैसा है, डस्ट जैकेट बोल दिया मैंने। ओके, एंड देन ये देखिए, ये अभी भी आपको मिल जाएंगी, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएंगी। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी डिज्नी मूवी ग्राफिक नॉवल, यू विल गेट सम। ओके, अभी भी अवेलेबल है, रीजनेबल रेट्स में मिल जाती हैं, आपको दिख जाएंगी कहीं ना कहीं। काफ़ी प्रिंट हुई थी लार्ज क्वांटिटी में और बिग साइज में है, और प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्रेश एज गुड, क्या बात है। ये 6 सीरीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नाम भी हैं, और मूवी बहुत अच्छी थी, एक बूढ़े अंकल की कहानी है, फिर उसके घर में एक लड़का आता है, तो क्या बात है, बहुत ही अलग। फिर मैं आपको दिखाऊंगा बंच, बंच में क्या है, विल सी वन बाय वन। ओके, ये देखिए फैंटम का बंच है पूरा। ओके, स्ट्राइप्स, डोरमैन, क्रैश, क्राइम अपीयरेंस, Ghost Quest, Order of the Sea, Gorilla, then Secret City, the Park Pirates, Jungle Gang, Graffiti, Secret Temple on Eden, the Viper God, Jungle Mystery, Ghost Pirates, Animal Character। तो ये बहुत सारी हैं, और ये ना जो हैं ये ऑलरेडी आपके ना अवेलेबल हैं Amazon पे बहुत सारी, तो आप Amazon से भी मंगा सकते हैं, है ना। मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। देन द पिरामिड ऑफ डूम, ये ग्राफिक नॉवेल है, मुझे पसंद आई क्योंकि इसमें ममीज हैं और कुछ फिक्शन हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। जब मैंने इसको पलट के देखा, ममीज हैं, कुछ एक्शन है, ड्रैगन है, पिरामिड्स, सो हमेशा मुझे फैसिनेट करते हैं पिरामिड्स, और इसलिए मैंने ये मंग ले ली, मतलब द पिरामिड ऑफ डूम, है ना। तो बॉक्स में जो आ जाए वो आपका, है ना। व्हाट वी हैव नेक्स्ट? आई थिंक वी हैव गॉट सम कोनन आल्सो, राइट? यस, सो नाउ वी हैव गॉथम्स
कोनन, टार्जन, हल्क, आर्ची 1, 2, 3, 4, सम आर्चीज गाइज, ओके, स्कूबी डू, सुपरमैन एडवेंचर, पावर पफ गर्ल्स, ग्रीन लैंटर्न, एक्समैन एंड अगेन वन बैड कॉपी ऑफ कोनन, ओके. सो कुछ गॉथम्स भी मिली हैं जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे, ओके. देन आई हैव गॉट सम मिनी कॉमिक्स ऑल्सो. मिनी कॉमिक्स क्या है आपको दिखाते हैं. सो डिज्नी की मिनी कॉमिक्स हैं, डाइजेस्ट है बेसिकली, मिकी माउस डाइजेस्ट, देखिए आप, डोनाल्ड डक डाइजेस्ट, आपको दिखाता हूँ. ये देखिए साइज आपको समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पे. एंड बहुत ही कूल है यार ये, है ना, मुझे बड़ा पसंद आया. तो ये भी मैंने, तीन थे उनके पास, मैंने ले लिए. एक स्पाइडर मैन की कॉमिक्स भी थी यार बहुत पुरानी, जो ऑलरेडी किसी बंदे ने ले ली थी, नहीं तो मेरी नज़र थी उस पर. और बट वही बात है, आप क्या क्या ले सकते हो ना. सो एक आर्ची की डाइजेस्ट भी है गाइज, है ना, ये भी आ गई साथ में. देन और क्या है हमारे पास, और क्या है हमारे पास मिस्ट्री बॉक्स में. आह, वी गॉट वन मोर फैंटम, ये एगमॉन्ट की है, ओके. आई थिंक लास्ट वन भी एगमॉन्ट की ही थी, ओल्ड इशू है. द घोस्ट हु वॉक्स, क्या बात है यार, फैंटम की बात अलग है. देन वी हैव गॉट वन मैंड्रेक इशू एज वेल हियर. देन ओ ओ ओ ओ व्हाट इज दिस, ओके, सम फैंटम क्विज, ओह, सो ये भी इंटैक्ट है, लव्ड इट, लव्ड इट भाई, ओके. ओ दशावतार फ्रॉम द हाउस ऑफ विमानिका, करण वीर्स. सो करण पाजी की विमानिका कॉमिक्स की ये एक ग्राफिक नॉवल है. दशावतार विष्णु जी के आई थिंक अवतार के ऊपर बेस्ड है. आर्टवर्क बहुत कमाल का है, लैंग्वेज इंग्लिश है, आपको मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे तो. पोस्टर इंटैक्ट है, आई विल शो यू, ये देखिए. सो बहुत ही अच्छी डील मैं बोलूँगा मिली है मुझे, और मैंने काफ़ी कुछ समेट लिया अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो, है ना. देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लहू, ओके, फॉरगॉटन टेल्स, बट ये है क्या, लुक्स लाइक अ वो अपना क्या बोलते हैं जापान वाला जो है ना अपना मांगा एनिमे, राइट, कुछ कुछ वही है, लेकिन यूरो किड्स और यूरो बुक्स, इंडियन आर्टिस्ट है भाई, बहुत साल पहले काम किया उन्होंने, ओके. देख सकते हैं बहुत पुराना काम है, यहाँ पे भी मुझे कोई डेटे लग रहे हैं अपने, पुष्पक सी, और यहाँ पे एक श्लोक भी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लहू, दिस इज लहू. देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, शंटल, ओके, और माइथोलॉजी बेस्ड है इन सब का स्टोरी हमारे. बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, मैंने पढ़ा नहीं है बट मुझे देख के अच्छा लगा कि इंडियन आर्टिस्ट ने कई साल पहले जब लोगों ने सोचा भी नहीं था ये सब कर रखा है और हमें पता भी नहीं था, राइट. एंड आई गॉट द डाइजेस्ट एज वेल, उमेश शुक्ला, ही इज़ द आर्टिस्ट, ओके, फॉरगॉटन टेल्स, ए वन, शंटल एंड तारा का लहू. सो ये मतलब एक पूरा देखिए यूरो बुक्स का डाइजेस्ट ही है, चार बुक्स के ऊपर, एक TBP बोलना चाहिए, इसमें चारों कहानियाँ हैं. सो ग्लैड दैट आई गॉट दिस, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के. ओ गॉड, आई लव मिस्ट्री बॉक्स भाई, बहुत मज़ा आता है. कुछ और बचा है, नहीं, ऑलमोस्ट हो गया, सब खत्म हो गया गाइज, कुछ बचा नहीं है, ओके. सर कुछ एक्स्ट्रा कॉमिक्सें हैं, दो चार जो और मेरे पास थी. सो लास्ट तो कुछ अच्छा होना चाहिए, राइट. तो एडवेंचर ऑफ स्पाइडर मैन, ओके, ये देखिए, दिस इज वन, दिस इज अनदर वन, ओके, ये देखिए दिस वन. सो दीज आर ऑल एडवेंचर ऑफ स्पाइडर मैन, ओके, और कुछ भी इसमें ऐसा फ्री नहीं है गाइस, ओके. आप देख सकते हैं, एक कॉमिक आपको खोल के दिखाता हूँ, बट दिस इज बिग साइज, काफ़ी पहले प्रिंट हुई थी और मिली है तो हमने अपने बॉक्स में डाल ली. तो एक ओल्ड इशू भी था जो ऑलरेडी किसी ने ले लिया था, बट डेफिनेटली आई एम लविंग इट, आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट. और ऐसे बुक फेयर्स में जाइए आप भी, कुछ कलेक्ट कीजिए, मज़ा आता है, है ना. और लास्ट में ये कुछ और मेरे पास है,
ये देखिए एक स्टार्स फॉर का कार्ड है यहाँ पे, ओके C3PO, ओके डिज्नी पिक्सार हीरोज, ओके एक ये है, देन व्हाट वी हैव, देन एक और है इनक्रेडिबल्स 2 का एक कार्ड है, ओके ये है मिस्टर इनक्रेडिबल, ओके देन वी गॉट सम वन मोर कार्ड हियर, वॉर हैमर, अच्छा सो भाई हेनरी कैवल जी भी बनाने वाले हैं इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सी सीरीज, तो वेट कीजिए, बट ये वॉर हैमर का एक गेम का कार्ड है, क्या बात है। एंड देन वी हैव गॉट सम बुक मार्क्स ऑल्सो, है ना, सो लेट्स मूव ऑन, डेफिनेटली मूव ऑन। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे बुक फेयर में जाके, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ले ली, आइडली और भी जगह थी लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं था और कलेक्शन भी उनके पास ज़्यादा नहीं था। आई विल डेफिनेटली विजिट नेक्स्ट टाइम और देखते हैं और क्या आता है मिस्ट्री बॉक्स में नेक्स्ट टाइम, है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, है ना। सो वी आर नियरिंग 1K सब्सक्राइबर, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें अपना, और मिलते हैं फिर किसी अच्छे अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, एंड आफ्टर 1K देयर विल बी गिव अवेज, सो स्टे ट्यून, थैंक यू, फिर मिलता हूँ आपसे, नमस्कार, धन्यवाद, कॉमिक्स बाइट।